गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पना फोतेदास किचन। ये नदर और अदरक की मूंड है। नदरू मीन्स कमल ककड़ी और अदरक को मैंने ग्रेट करके ये बनाया है। बहुत अच्छा स्नैक है और हम कश्मीरी पंडित इसे बहुत पसंद करते हैं। तो इसे कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अदरक और कमल ककड़ी की नदर मूंड इन एयर फ्रायर। मैं कमल ककड़ी को पील करूंगी। ये दो पीसेस है मैंने पील कर ली। इसके बाद मुझे ग्रेट करना है इसको। ये अदरक का पीस है, इसको मैं क्लीन करके इसको भी इसके साथ में ग्रेट करूंगी। इसमें मैंने कश्मीरी मिर्ची रखी है, ये सूखी कश्मीरी मिर्ची है। तीन पीसेस है, इसको मैं इसमें पाउडर बना दूंगी, पीस लूंगी। और मैं ये नदरू जो है उसे ग्रेट कर दूंगी और उसके साथ में ये अदरक है, अदरक भी पीस लूंगी। इसके साथ में अदरक भी। ये पिस चुका है तो मैं स्वाद अनुसार नमक, ये मिर्ची भी पिस चुका है, मैंने तीन पीसा। तो मैं इसमें से तीन चम्मच डालती हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये सौंठ आधा चम्मच है, इसको अब मिक्स करना है अच्छे से। थोड़ा ऑयल में डालूंगी बाइंडिंग के लिए। मैंने इसमें पानी डाला है इतना, इसको मैं गैस पे चढ़ाऊंगी और इसके ऊपर मैं ये रखूंगी स्टीम करने के लिए। मैं इसको इससे ढक दूंगी। इसमें ये जो होल है ना, होल में से स्टीम आएगा और ये बाइंड हो जाएगा। मैंने गैस को फुल पे ऑन किया है तो इसको स्टीम होने देते हैं। ये 15 मिनट से उबल रहा है, ये देख लीजिए अब तैयार हो गया, थोड़ा स्टिकी हो गया। तो मैं गैस अब बंद करती हूँ, इसको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ ताकि मैं इसका पैटीज बना सकूँ। ये अब ठंडा हो गया, देखिए ये स्टिकी हो गया है। अभी इसकी कटलेट्स बना सकते हैं। इसको कश्मीरी में नदर मूंड बोलते हैं, नदर और अदरक का मूंड बोलते हैं। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी भी लगती है।
अपने साइज का ठीक है। ये पैटीज बन गए हैं। नॉर्मली हम इनको डीप फ्राई करते हैं, तो मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ इनको, मैं एयर फ्रायर में बना रही हूँ। तो एयर फ्रायर के लिए मैं इसमें थोड़ा सा तेल, मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जब हम डीप फ्राई करते हैं तो बहुत ही तेल जाता है इसमें, हार्डली एक एक ड्रॉप जाता है एक एक पैटी के ऊपर। वो टेस्ट भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, वो थोड़ा हेल्दी भी है, तो इसलिए मैं डीप फ्राई अवॉइड कर रही हूँ, एयर फ्रायर में बना रही हूँ। एट अ टाइम चार रख रही हूँ मैं इसको, एयर फ्रायर में रख रही हूँ। वन सिक्सटी 10 मिनट्स के लिए। टेन मिनट्स के बाद ये ऐसे दिखते हैं, तो मैं इनको टर्न करूंगी, अभी इनको मैं टर्न करूंगी। और बैक साइड को भी तेल से थोड़ा सा ब्रश करूंगी। मैं इसको वापस 160 पे 5 मिनट्स के लिए रखूंगी। 5 मिनट्स के बाद ये ऐसे दिख रहे हैं, ये तैयार हो गए हैं, तो मैं इसमें नेक्स्ट लॉट डाल दूंगी। नेक्स्ट लॉट ये भी अब तैयार है, तो मैं इसे निकाल दूँगी। सारे नदर मुंजे अभी तैयार हैं। ये नदर और अदरक की मोंड है, तो मैंने सारे इसमें रख दिए बिकॉज गर्म रहेंगे। तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।